टॉफो बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग के लिए। तो भाई अगर आपका बजट 20,000 है, 20,000 के बजट में आप एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो इन 2021 में, तो ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सीधा नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पे यार मैंने रखा है पोको एक्स थ्री को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो भाई अगर आपने 6 GB की ओर जाना है, वो भी आपको 20,000 के बजट से नीचे ही, बहुत नीचे, मतलब आपको 16,000 से 17,000 के बजट में 6 GB रैम वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर आपने 8 GB रैम की ओर जाना है, आप उसके ओर भी जा सकते हो, मतलब इसके दो वेरिएंट आते हैं, दोनों ही वेरिएंट जो है आपके प्राइस रेंज में सेट बैठ जाएंगे, ठीक है। इसके प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए परफेक्ट प्रोसेसर है। प्लस आपको बैटरी की बात करूं, आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। मतलब जितने भी मैं आपको फ़ोन बताने वाला हूँ, उन सभी में से इसकी बैटरी जो है वो आपको बड़ी देखने को मिलेगी। 6000 mAh की बैटरी, मतलब एक दिन तो आप नॉर्मली जो गेमिंग है वो इजीली नॉर्मली कर सकोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। कैमरे की बात करूँ, आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64 MP प्लस 30 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP। मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करता, इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर ही लेते हैं। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो यार 120 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है, तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी सच में तगड़ा होने वाला है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलेगी, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिल जाती है, तो जो फ़ोन है वो हीटिंग इशू में नहीं जाने वाला। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 6 GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 8 GB रैम भी देखने को मिल जाएगी। तो आप देख लेना जो भी आपके बजट में सेट बैठता है, मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। बैटरी की बात करूँ, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64 MP प्लस 30 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP। सेल्फी की बातों को 20 MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, 6 GB वेड का प्राइस आपको 17,000 के बजट में देखने को मिलेगा, एंड अगर आप 8 GB वेड लेते हो वो 18,000 से लेके आपको 19,000 के बजट में पोको X3 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको X3 के, फ़ोन बहुत ज़्यादा सही है, 6000 mAh की बैटरी मिल जाना एंड आपको जो तगड़ा प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल जाना। तो भाई अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, लॉन्ग बैटरी लाइफ भी चाहिए, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है पोको X3, आप जा सकते हो। अगर आपको बैटरी भी तगड़ी चाहिए, आपको प्रोसेसर भी तगड़ा चाहिए, एंड आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत तगड़ी मिल जाती है, 120 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी अगर आप कोई देखना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूं। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है Realme 7 Pro को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले इसका डिज़ाइन लुक वगैरह आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी एज कंपैरिजन किया जाए पोको X3 के साथ, ठीक है, तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी तो आपको वैसे इतनी तगड़ी नहीं देखने को मिलती, लेकिन इसके और भी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर आप Realme लवर हो, आपके लिए ये स्मार्टफोन भी परफेक्ट डील हो सकता है। आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। प्लस पॉइंट की बात करूं, तो आपको 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट में फुल और फुल चार्ज कर देगा, ठीक है। आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर आप सेल्फी लेने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए भी ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। स्नैपड्रैगन आपको 720G देखने को मिल जाता है, जो कि 8 nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, ठीक है। प्लस आपको 6 GB रैम देखने को मिलेगी। तो भाई अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है, मल्टीटास्किंग के लिए लेना है, प्लस अगर आपको एक स्टाइलिश प्रीमियम डिज़ाइन वगैरह चाहिए, तब आपके लिए ये Realme स्मार्टफोन भी परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 6 GB रैम मिल जाएगी, प्लस आपको 128 GB स्टोरेज मिल जाएगी, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूं, आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है।
64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल सेल्फी की बातों को 32 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं पहले इसका प्राइस देखने को मिल जाता है 90,999 के बजट में, लेकिन अभी इसका प्राइस आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। मैंने बाइंग लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने चेकआउट करना है तो भी आप चेकआउट भी कर सकते हो, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो भी आप परचेज भी कर सकते हो। तो Realme 7 Pro भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है अगर आप Realme लव करो, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ या नंबर टू पर मैंने रखा है Redmi Note 10 Pro Max को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ सबसे पहले ये नया लॉन्च हुआ है, प्लस इसका डिज़ाइन लुक वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। 2 से 3 कलर्स में देखने को मिलता है, भाई जो भी कलर आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ अगर आप लेना चाहते हो तो वाइट कलर में लेना, वो इसको कलर मतलब ज़्यादा सूट करता है। अभी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, ठीक है। प्लस गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलेगा बैक एंड फ्रंट के साथ, ठीक है। आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 33 वाट का फास्ट चार्जर, प्लस भाई आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आपके लिए भी ये जो स्मार्टफोन है परफेक्ट डील हो सकता है। आपका एक्सपीरियंस मतलब बहुत सही होने वाला, अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने की भी ज़्यादा शौकीन हो आपके लिए भी ये जो स्मार्टफोन है परफेक्ट डील हो जाएगा। प्लस आपको क्वाड कैमरा शैडो देखने को मिल जाता है जो कि 108 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपको गेमिंग के साथ साथ कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए तो भाई मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड कर देना चाहता हूँ, Redmi Note 10 Pro Max आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस आपको 60 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है, प्लस आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे कई फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी सेल्फी को, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, आपकी फोटोज़ को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। स्नैपड्रैगन 732G के साथ आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 6GB रैम मिल जाएगी, प्लस आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। अभी बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की, तो आपको 90,999 के बजट में Redmi Note 10 Pro Max देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 Pro Max के, अभी बात करते हैं, अभी मैंने लिंक जो है वो प्रोवाइड किया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वाइट कलर का ही दूंगा। तो अगर आपने लेना है तो भाई वाइट कलर में लेना, मुझे भी ज़्यादा सूट किया था, एंड अगर आप लेते हो तो आपके लिए भी बेस्ट डील हो जाएगी। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा है Realme Axis 7 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, ये स्मार्टफोन भी नया लॉन्च हुआ है, प्लस ये 5G स्मार्टफोन है, 20,000 के बजट रेंज में आपको Motorola की ओर से भी देखने को मिल जाते हैं, और भी ब्रांड्स आ जाते हैं जिनमें आपको 5G जो है वो फ़ोन देखने को मिल जाता है, लेकिन मैंने इस बजट रेंज में उनको नहीं रखा बिकॉज उनमें आपको डिस्प्ले या प्रोसेसर वगैरह इतना तगड़ा नहीं देखने को मिलता, जो कि सच है, लेकिन Realme X7 आपको परफेक्ट डील देखने को मिल जाती है। इसका डिज़ाइन लुक वगैरह आपको इसकी भी बहुत पसंद आने वाली है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि Gorilla Glass 3 की प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगी। तो यार प्रोसेसर की बातों को MediaTek 800U देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बातों को 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस 64W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। कैमरे की बात करूं आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल सेल्फी की बात करूं आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। स्टोरेज की बातों को 8GB एंड 6GB 2 मिनट में देखने को मिलता है, जो भी आपके बजट में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। प्राइस की बातों को 80,500 के बजट में देखने को मिल जाता है 6GB वर्ड के साथ, अगर आपने 8GB वर्ड की ओर जाना है वो आपको 21,000 के बजट में देखने को मिलेगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Realme Axis 7 के भी बता दिए, ये स्मार्टफोन भी आपको पूरा लोडेड मतलब मिल जाता है। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 4 स्मार्टफोन बता दिए जो कि आप 20,000 के बजट रेंज में ले सकते हो, अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, अगर आपको तगड़ा प्रोसेसर चाहिए, अच्छा डिज़ाइन चाहिए, कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, या 5G स्मार्टफोन चाहिए, या फिर अगर आपको बैटरी गुड बैटरी चाहिए, या लॉन्ग टाइम बैटरी जो बैटरी है जो आप अच्छी चाहते हो, लॉन्ग टाइम बैटरी अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आपके लिए भी मैंने जो फ़ोन है बता दिया, ठीक है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड यार 2-3 चीज़ें मैं स्किप कर गया तो हो जाता है यार, वीडियो करते करते हो जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, कह सकते हो। अगर मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करता भाई, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज मुझे कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैंने वीडियो के साथ। थैंक यू।